दोस्तों वीडियो देख के आइडिया लग ही गया होगा कि किस चीज पे हमारा वीडियो होने वाला है। तो आज हमारा वीडियो होने वाला है जो कंक्रीट का टेम्परेचर टेस्ट हम करते हैं, उसका टेम्परेचर देखते हैं, उस पर कंप्लीट वीडियो होने वाला है। प्रैक्टिकल नॉलेज है, इंटरव्यू में भी काम आएगा और साइट पे जाके भी ये वीडियो आपके काम आएगा। बस आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और आप थैंकफुल होंगे कि हमने ये सिविल साइट विजिट पे वीडियो देख लिया था। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आज हम प्रोसीजर भी देखेंगे, पता भी करेंगे कि मिनिमम कितना टेम्परेचर होना चाहिए, और ये भी पता करेंगे अगर हमने कॉन्क्रीटिंग कर दी, टेम्परेचर है आपका 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा। और फिर अगर हमने कंक्रीटिंग कर दी ठंड में तो क्या होगा, और भी काफ़ी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आते हैं कंक्रीट को लेके, और ये ज़रूर आपको आने चाहिए कि एज ए साइट इंजीनियर ये पता होना चाहिए आप पीएमसी या क्लाइंट को काउंटर कर सकते हो। तो पहले हम देखते हैं इसका प्रोसीजर, मैं लाइव आपको पूरा साइट पे जाके करके दिखाता हूँ, 2-3 बार टेस्ट वो देख लेंगे, उसके बाद मेन क्वेश्चन पे आएंगे। कम से कम कितने टेम्परेचर में हमें कंक्रीटिंग करना है, और मैक्सिमम कितने अगर कंक्रीट ज़्यादा गर्म हो गया उसको कैसे सही करना है, और अगर कंक्रीट गर्म नहीं हो उसको कैसे हम सही करेंगे। टीएम अगर आप कंक्रीट लेके आपका आ गया और उसमें टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है, उसको हमें डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, वो प्रोसीजर के बाद हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो फ्रेश कंक्रीट होगा आपको ले लेना है उसको, तो उसमें क्या करना है आपको, आपका जो थर्मोमीटर होगा मिनिमम 3 इंच आपको इंसर्ट करना है उसके अंदर, ठीक है, और 2 मिनट तक उसको उधर ही रहने देना है। और ये कभी कभार बहुत टाइम ये गलती हो जाती है कि उसको बाहर निकाल देते हैं फिर टेम्परेचर देखते हैं, ये नहीं करना है, मतलब उसको 2 मिनट तक अंदर रखना है और उसका टेम्परेचर नोटिस करना है। और होता क्या है, मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है अकॉर्डिंग ASTM, मतलब अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग मशीन के हिसाब से, आपका 26 से 35 डिग्री तक आपका होना चाहिए, मतलब इसका टेम्परेचर परफेक्ट है। और इस थर्मोमीटर की एक्यूरेसी कितनी है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट आपको वह बताएगा। और आपका मतलब इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना मैक्सिमम होना चाहिए, तो 35 आपका एक्यूरेट रहता है, मतलब 35 चलता है, और मिनिमम कितना 26 से 35 तक, मतलब इतना आप ले सकते हो। ये रही बात अगर मतलब कंक्रीट टेम्परेचर की। अगर दूसरी चीज़ हम देखा जाए तो मतलब जो बेस्ट हमारा प्लेसिंग और क्यूरिंग का जो रहता है, तो अगर आप 15 से 25 डिग्री के सेल्सियस में कास्टिंग करोगे तो वो परफेक्ट है। उससे क्या होगा, आपके कंक्रीट में क्रैक्स भी नहीं आएंगे, और क्या होगा मतलब हाई स्ट्रेंथ, अच्छी स्ट्रेंथ भी पकड़ेगा। अगर टेम्परेचर बाई चांस समर में 35 डिग्री से ऊपर है, तो अगर तब करोगे आप तो क्रैक और श्रिंकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बार फिर से मैं करके दिखाता हूँ कि अभी हमारा टेम्परेचर कितना आता है। पहले इंसर्ट कर लो 3 इंच उसको, और उसको रहने दो, मतलब हमारा दोबारा उतना टेम्परेचर मिलता है जितना अभी हमने चेक किया कि नहीं। देखो हमारा टेम्परेचर मतलब बढ़ता जा रहा है, और यही चीज़ है, मतलब अगर आपका टेम्परेचर 35 बराबर है तो मतलब इसमें क्रैक्स भी आपको कम, श्रिंकेज क्रैक्स जो रहते हैं वो कम देखने को मिलेंगे, और मतलब जो हमारा स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी आएगी। तो यही हम टेस्ट में क्या किस लिए देखते हैं कि हमारा जो कंक्रीट है काम करने लायक है, जहाँ इसको हम रिजेक्ट कर दें, ठीक है। तो हमारा कितना आ रहा है, 33.6, मतलब अभी मैंने 2 मिनट तक रखा इसको, लेकिन इंक्रीज़ हो रहा, 35 डिग्री हमें लास्ट में इसका मिल गया था। अभी मैं थोड़ी देर बाद उसका दिखाता हूँ क्यूरिंग का, मतलब कास्टिंग के दौरान जो हमने 2 टेस्ट किए उसमें हमारा कितना मिल रहा है वो भी, क्योंकि उसमें क्या होगा हमारा थोड़ा बहुत आगे पीछे इंक्रीज़ होता रहता है। जब आप मतलब कास्टिंग के दौरान आपका टेम्परेचर, जो बाहर का टेम्परेचर भी ऐड होगा, तो उससे भी थोड़ा बैरी कर सकता है, इसमें कोई चिंता नहीं है। मतलब 35 कास्टिंग के दौरान आपको 36 मिलता है, 37 मिलता है, वो एक्सेप्टेबल है। और ये एक इंडियन स्टैंडर्ड या ACI में कुछ दिया नहीं है, लेकिन ASTM ने जो हमें वैल्यू दी है वो 26 से 35 है। और इंटरव्यू का भी यही क्वेश्चन रहता है कि आपका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना एक्सेप्टेबल होता है। अभी मैं कास्टिंग हमारा चल रहा है उसमें मैं टेम्परेचर दिखा देता हूँ आपको, टेम्परेचर कितना मिल रहा है हमें मिल रहा है 35.8, मतलब 9.36। तो वही ना, बाहर के टेम्परेचर से भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इतना कोई कुछ नहीं है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर फ्रेश कंक्रीट जैसे ही आता है उसका लोग है तो वो 35 से कम ही होना चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं ले सकते हम। तो सेकेंड टाइम हमने जब टेस्ट किया, वो कास्टिंग हो गया, फिनिशिंग हो गया, उसके बाद कितना मिल रहा है हमें, 36 से 37, वही मतलब सेम रिजल्ट रहता है। ठीक है, टेस्ट भी कर लिया और समझ भी आ गया कि किस हिसाब से हम टेस्ट करते हो, और आपको चल गया होगा पता कि इंडिया में IS कोड क्या कहता है, आपका अगर 26 से 35 डिग्री तक टेम्परेचर मिल रहा है तो वो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन हम प्रैक्टिकली अभी बात करते हैं एक चीज़ की, कि जो हमारा टेम्परेचर होता है
अगर हम बात करें मैक्सिमम हमें 35 के ऊपर नहीं जाना है। अगर 35 डिग्री से ऊपर कंक्रीट आपका आ रहा है उसको यूज़ कभी नहीं करना है, क्योंकि उसमें एक रिपोर्ट की मैं बताता हूँ आपको, जब एक रिपोर्ट के हिसाब से क्या होता है, जो 27 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस अगर कंक्रीट का आता है उससे हर एक डिग्री पे, जैसे 28 होगा तो उसकी 1% स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी, जैसे 29 होगा तो उसकी 1% और स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाती है। तो एक रिपोर्ट है लेकिन एक्सेप्टेबल 35 डिग्री तक होता है। और जब हम क्या करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हमारा है, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस से कम हम कंक्रीट करेंगे, तो उस दौरान क्या होता है, जो उसकी हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो रुक जाती हैं और वो स्ट्रेंथ, कंक्रीट क्या होता है वो अपनी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाता, वो पाउडर की तरह हो जाता है। अब कभी भी ये मैं क्या कहता हूँ, जो स्टूडेंट हैं उनको ये टेस्ट जरूर करने चाहिए, उनको थोड़ा नॉलेज मिलेगा। और अगर हम -4 डिग्री सेल्सियस से कम कंक्रीट यूज़ करते हैं, अगर -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसमें कंक्रीट करेंगे तो वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, वो यूज़ करने लायक ही नहीं रहता है। तो जो भी देखो, जो एरिया होते हैं जहाँ बड़ी ज़्यादा ठंड रहती है या बड़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, अगर बड़ी ज़्यादा गर्मी की मैं बात करूँ, दुबई वो एग्जांपल लेते हैं, जब बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जो उसकी कंक्रीटिंग होती थी, जो उसका कंक्रीट होता था, वो हमेशा पोरिंग कब करते थे, रात को पोरिंग करते थे, क्योंकि तब टेम्परेचर एक्सेप्टेबल होता था, तो तब उस टाइम कंक्रीटिंग की जाती थी। अगर वो दिन में कंक्रीटिंग करते वो कभी पॉसिबल नहीं होता, जहाँ तो वो कंक्रीट जम जाता, जहाँ उसमें क्रैक्स आ जाते, तो यही होता है। और जहाँ पे ठंड होती है वहाँ तब कंक्रीटिंग की जाती है, जहाँ स्पेशल कंक्रीट डिज़ाइन किए जाते हैं, जब गर्मी हो या जो भी है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप कंक्रीटिंग करते हो, जब टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है, एग्जांपल लेते हैं, 40 डिग्री में कंक्रीट करना, और उसमें आपको श्रिंकेज क्रैक्स, क्रेजिंग क्रैक्स, थर्मल क्रैक्स, ये सब क्रैक्स देखने को मिलेंगे, और वो क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा माइक्रो क्रैक्स होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ जाते हैं। और इसीलिए क्या करते हैं, जब भी कंक्रीटिंग अगर बाय चांस समर में कर रहे हैं और टेम्परेचर ज़्यादा है और अर्जेंट है कंक्रीटिंग करना, तो आप क्या करना है, जो आइस होती है, बर्फ़ होती है, जो वो बर्फ़ आपको कंक्रीटिंग के दम पानी एज ए पानी वहाँ यूज़ करना है। और अगर कंक्रीटिंग बनाने के दौरान ही आपका कंक्रीट जो हो रहा है वो गर्म होते जा रहा है, तो मार्केट में क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है वो प्लांट के जहाँ कंक्रीट बन रहा है, जो मिक्सचर है, उसके चारों तरफ नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन लगा दी जाती है और वो थोड़ा ठंडा रहता है। तो हमेशा पॉसिबिलिटी यही पॉसिबल करना है कि कंक्रीट जो आपको करना है वो ऐसे टेम्परेचर में करना है जो रहे आपका 15 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर रहता है, उस टाइम अगर कंक्रीटिंग हुई तो बहुत अच्छी कंक्रीटिंग रहती है, उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी रहती है और उसमें आपको क्रैक्स देखने को भी नहीं मिलेंगे, और क्यूरिंग भी उसी हिसाब से आपको रखनी है। तो ये चीज़ें होती हैं, जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। मैं बता दूं, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो आपका कंक्रीट उतनी स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा जितनी उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है। तो आपको टेम्परेचर रखना है 15 से 25, मैक्सिमम 30 डिग्री तक आपको टेम्परेचर में कंक्रीट करना है और उसका टेम्परेचर चेक कर लेना है। आपको प्रोसेस भी पता चल गया और सब कुछ पता चल गया। और अगर आप गर्मी में कंक्रीटिंग करोगे, सामने जैसे क्रैक्स आप देख रहे हो, ऐसे क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट करो, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही प्यार देते रहो। थैंक यू गाइस।